बड़ी खबर आ रही है शहडोल से। पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर छिड़ी खूनी जंग, एक की मौत एक गंभीर रूप से घायल। समधी राजेंद्र गुप्ता ने समधी राम शेख की हत्या की, बहू पर भी किया तलवार से वार, हालत नाजुक। मेडिकल कॉलेज में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही बहू प्रभा, घर के बाहर सड़क पर खुलेआम तलवार से करते रहे हमला। विवाद के बाद सड़क पर ही खून से लथपथ पड़ा रहा समधी का शव। जमीन का विवाद सुलझाने ताला मंझौली से बेटी के ससुराल तिखवा आया था पिता। विवाद सुलझाने के दौरान ही समधी राजेंद्र गुप्ता निवासी तिखवा ने तलवार से किया हमला। आरोपी समधी राजेंद्र गुप्ता को पुलिस ने मौके से किया गिरफ्तार। पौंद थाना क्षेत्र के तिखवा गांव की घटना फिर से बता दें। बड़ी खबर आ रही है शहडोल से। पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर छिड़ी खूनी जंग, एक की मौत एक गंभीर रूप से घायल। समधी राजेंद्र गुप्ता ने समधी राम शेख की हत्या की, बहू पर भी किया तलवार से वार, हालत नाजुक। मेडिकल कॉलेज में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही बहू प्रभा, घर के बाहर सड़क पर खुलेआम तलवार से करते रहे हमला। विवाद के बाद सड़क पर ही खून से लथपथ पड़ा रहा समधी का शव। जमीन का विवाद सुलझाने ताला मंझौली से बेटी के ससुराल तिखवा आया था पिता। विवाद सुलझाने के दौरान ही समधी राजेंद्र गुप्ता निवासी तिखवा ने तलवार से किया हमला। आरोपी समधी राजेंद्र गुप्ता को पुलिस ने मौके से किया गिरफ्तार। पौंद थाना क्षेत्र के तिखवा गांव की घटना। इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर ब्रिजेश शर्मा की रिपोर्ट।